हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का चटपटा और करारा नाश्ता, जिसे मैंने एक नए स्टाइल में बनाया है जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने लिया है एक कप सूजी। जो सूजी यूज़ की है वो बारीक सूजी यूज़ की है। अब इसमें ऐड करूँगी हाफ कप दही। जो दही यूज़ करें वो ना ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए और ना ज़्यादा मीठी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप पानी और इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको एक बार इस तरह से फिर से चला लूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी 30 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। बैटर जब तक सेट हो रहा तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया एक पैन। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे राई या सरसों। जो सरसों यूज़ करें वो छोटी वाली सरसों यूज़ करें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली। अब ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छा सा भून लेंगे। फाइनली चॉप्ड अनियंस अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है। और इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी को इसी समय ऐड करने से इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और भून भी चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये पोटैटोज। पोटैटो को सारी चीज़ों के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने जो पोटैटो यूज़ किए हैं उसे ग्रेटेड करके यूज़ किया, जिससे कि ये लम्स फ्री बनेगा और स्टफ बहुत अच्छा बनेगा। पोटैटो अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला, इससे बहुत ही चटपटा बनेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा स्टफ है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है। बैटर को एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसमें हाफ कप पानी और ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक हमने स्टफिंग में भी ऐड किया है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी क्वांटिटी में ही ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटर थोड़ा सा और थिक लग रहा है, तो मैं इसमें और पानी ऐड करते हुए इसे मिक्स कर लूँगी। जिस कंसिस्टेंसी में बैटर चाहिए वो मिल चुका है। यहाँ पर पैन लिया है, पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से स्प्रे कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ये बैटर जो है उसको डालेंगे। आपको बैटर को सेंटर में ही डालना है। बैटर जो है अपना शेप खुद लेगा ले लेगा। आप देख सकते हैं कि राउंड शेप में आ चुका है। अब जो हमने स्टफ तैयार किया है उसको इस तरह से राउंड शेप में करते हुए हमें टिक्की का शेप दे देना है और इसको इस तरह से चपटा कर लेना है। और जो हमने बैटर डाला है उसके ऊपर इसको इस तरह से प्लेस कर देना और इसे हल्के हाथों से हमें इस तरह से प्लेस करना है। हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा के प्लेस करना है। तो इसके ऊपर ये दोबारा से हमें बैटर डाल देंगे और बैटर को अच्छे से हम इसके स्टफिंग के ऊपर फैला देंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से कवर हो जाए। आप एक साथ दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं। आपके पैन में जितना एक साथ आ सके आप उतना बना सकते हैं। तो मैं इसे लो फ्लेम पे कवर करके 5 मिनट तक पकाऊंगी। 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। इसे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी फूला हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको इस तरह से उठा लूँगी और जो ऑयल है उसको फिर से स्प्रेड कर देंगे और इसको फिर से हम दूसरी तरफ पलट देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और इस तरफ भी हम कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। बाकी जो है उनको भी इसी तरह से बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे पैनकेक कितने अच्छे से बने हुए हैं। तो मैं आपको इसको एक कट करके दिखाती हूँ, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो स्टफिंग है वो अंदर तक कितनी अच्छी सी फिल हुई है। अगर आपको ये यूनिक
पैनकेक रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ ही आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।